नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि मोटापा 100 बीमारियों का घर होता है। मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारियां होना अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोटापा आखिर कम कैसे किया जाए। तो आइए आज इस प्रॉब्लम का एक बहुत आसान और बहुत डिलीशियस सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक कुकर में डाल रही हूँ खाना खाने वाली जो चम्मच होती है ना, वो वाली सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच तेल। इतना कम तेल यूज करके जो चीज बनेगी वो डेफिनेटली बिल्कुल फैट फ्री बनने वाली है। तो ये तेल हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो अब मैं गैस की फ्लेम लो करके इसमें डाल देती हूँ ये आधा चम्मच हींग। हींग हमारे डाइजेशन को अच्छा रखती है और पेट की गैस और अपच को ठीक करती है। हींग के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच साबुत जीरा। जीरा वेट लॉस करने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ ये पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसे मैंने फ्रेश ही मिक्सी में बनाया है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो सिर दर्द, सर्दी जुकाम, बॉडी से हर तरह के इन्फेक्शन को ठीक करता है और अपच जैसी प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर हरी मिर्च हमारी आंखों और स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण तो भरपूर होते ही हैं, लेकिन कोई कैलोरी नहीं होती, इसलिए ये वजन कम करने में हेल्प करती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी काफी हेल्प करती है, जिससे बहुत तेजी से वजन कम होता है। लीजिए, आपसे बात करते करते अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भून गया है, इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को हमें हल्का सा ही भूनना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अभी इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जो वेट लॉस खिचड़ी हम बना रहे हैं उसके पकते टाइम ये प्याज और पक जाएगा। ये वेट लॉस करने वाली खिचड़ी उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनको शुगर की बीमारी है, क्योंकि इसमें आगे हम जो इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं वो हमारे इंसुलिन को कंट्रोल करेगी, जिससे हमारा वेट बहुत जल्दी से कम होने लगेगा। प्याज हल्के से भुन गए हैं और थोड़ा गुलाबी दिखने लगे हैं, तो अब यहाँ इसमें हम डाल देते हैं छोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक टमाटर। टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपिन और पोटेशियम होता है, साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण भी होते हैं, इसलिए जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए काफी फायदेमंद है। इस खिचड़ी को हेल्दी और पौष्टिक बनाने के लिए मैं इसमें कुछ सब्जियां भी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने ली है एक गाजर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। गाजर को आयुर्वेद में कई बीमारियों की रामबाण दवा कहा गया है, क्योंकि गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई और पोटेशियम जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप कटी हुई बीन्स और आधा कप मटर के दाने। जब मटर का सीजन हो तो आप फ्रेश मटर यूज करें, और जब मटर का सीजन नहीं हो तो आप फ्रोजन मटर यूज कर सकते हैं। इन सभी सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी पसंद की कोई और सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि फैट बढ़ाने वाली कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हम ये खिचड़ी वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा कप भीगी हुई मूंग की दाल, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। ये दाल वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी होती है और जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाती है, साथ ही ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखती है। वेट लॉस करने वाली शानदार, बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस खिचड़ी में मूंग दाल के साथ हम यूज करने वाले हैं ये आधा कप ओट्स। ये आपको किसी भी किराना की दुकान पर बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। चावल की जगह खिचड़ी में ओट्स यूज करने से आपको न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिलता है और वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। ओट्स को मैंने बिना रोस्ट किए हुए यूज किया है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप इतनी ही क्वांटिटी में ओट्स की जगह दलिया भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं स्वाद के हिसाब से नमक, और इसे हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए डालते हैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खिचड़ी को पकाने के लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 कप पानी। बस अब सारी तैयारी पूरी हो गई है, इसलिए अब हम कुकर का ढक्कन कर देते हैं बंद और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देते हैं। फिर गैस बंद करके कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। ये लीजिए, हमारा कुकर ठंडा हो गया है। तो चेक कर लेते हैं कि हमारी खिचड़ी कैसी बनी है।
वाओ, ये देखिए कितनी बढ़िया और परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली हमारी वेट लॉस करने वाली डिलीशियस खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। इस खिचड़ी को खाकर आपका पेट भी अच्छे से भरेगा और आपको बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होने के कारण वजन घटेगा, मोटापा कम होगा और पेट की चर्बी, हाथों पैरों की चर्बी और थाइस की चर्बी कम होने लगेगी। इसलिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेली डिनर में कुछ दिनों तक सिर्फ ये खिचड़ी खाइए और साथ में कुछ बातों का भी ध्यान रखिए, जैसे कि आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी है और दिन भर में 3-4 लीटर पानी भी पीना है, ऑयली फूड नहीं खाना है और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना है। बस फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में जादू होता है और कैसे आपका वेट लॉस होकर आपकी बॉडी स्लिम होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अब आप भी ये डिलीशियस खिचड़ी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी।